I'm no more controversy queen. बिल्कुल, I hate controversies. राखी सावंत ने रिसेंटली ही जूम पर खुद को नो मोर कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन क्लेम किया था और ये भी कहा था कि हाँ, पीपल आर यूजिंग माई नेम फॉर अ कॉन्ट्रोवर्सी. गाइस, आई एम नो मोर कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन. आई एम नो नो बिल्कुल, आई हेट कॉन्ट्रोवर्सीज. आई हेट कॉन्ट्रोवर्सीज. जितना मैं कॉन्ट्रोवर्सीज होती, मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नो मोर कॉन्ट्रोवर्सी इन माई लाइफ. जी हाँ, और इसकी वजह से राखी सावंत ना चाहते हुए भी एक कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गई हैं, क्योंकि एक इवेंट पर उनके फिल्म के डायरेक्टर को राखी की मॉडल फ्रेंड ने स्लैप किया था, ब्लेमिंग हिम फॉर कास्टिंग काउच. और इसके बाद ही ये इशू काफी बड़ा बन गया. अब हुआ ये कि एक डेफेमेशन केस फाइल कर दिया गया है अगेंस्ट राखी सावंत एंड हर मॉडल फ्रेंड. द डेफेमेशन इज वर्थ 5 crore rupees. वैसे इस केस के रिगार्डिंग राखी सावंत ने जूम से एक्सक्लूसिवली अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया था. जूम चैनल, आई एम इनोसेंट, आई एम प्योर, आई एम नो, मैं कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं हूँ. आई हेट कॉन्ट्रोवर्सी. और उस दिन जो ऑन द स्टेज हुआ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्या हुआ. और लोग, पीपल आर ब्लेमिंग मी, एंड मेरा कोई फॉल्ट नहीं है. हु इज़ अ प्लानर, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता. आई वॉज ऑन द स्टेज, बट मैंने सिर्फ एक लड़की की हेल्प करी है. एंड शी वॉज इनोसेंट एंड शी वॉज माई फ्रेंड. वेल राखी, जब आप कह रही हो कि इस कॉन्ट्रोवर्सी से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो वी जस्ट होप दैट यू गेट आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल. फॉर कुणाल बांडेकर, जूम मुंबई.